एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयरिंग मॉम बाय एचके। आज की वीडियो उन लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जिनके बच्चे वेट गेन नहीं कर रहे हैं और वो ब्रेस्ट फेड हैं। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि जो बच्चे चब्बी चीक्स वाले होते हैं वही हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारी सोसाइटी में कह देते हैं कि आपका बच्चा बड़ा कमजोर सा है, भले ही बच्चा बहुत एक्टिव हो लेकिन कह देते हैं। तो हर मदर की विश होती है कि उसका बच्चा चब्बी चीक्स वाला हो, हेल्दी हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा बच्चा भी वेट गेन नहीं कर रहा था। तो मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि वो आप ध्यान से सुनिए। ब्रेस्ट मिल्क दो तरह का होता है, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फोर मिल्क पतला होता है और जो पीछे वाला दूध हाइंड मिल्क होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। तो जब बेबी आगे वाला मिल्क ज़्यादा लेता है जिसमें लैक्टोस होता है तो बेबी वेट गेन नहीं कर पाता। इसके दो कारण है कि बेबी कई बार तो स्विच बहुत जल्दी करता है एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट से, और कई बार बेबी अच्छे से दूध भी नहीं पीते, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो जब पहली ब्रेस्ट से मिल्क दिया तो दूसरी पर स्विच नहीं करना, जो पीछे वाला दूध रह गया है उसको देना है। ब्रेस्ट पंप से निकाल लीजिए, हाथ से निकाल लीजिए, आपकी विश है। और आपने उसको बॉटल के साथ देना है, ड्रॉपर के साथ देना है, आपकी मर्जी। एंड सच्ची में आपका बेबी वेट गेन करेगा। हफ्ते दो हफ्ते लग जाएंगे लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।